पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सबके बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणवदा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ करियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणवदा की अमीर छाप हम देख सकते हैं और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणवदा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहें तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनके बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणवदा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। और मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल होकर काम कैसे किया जा सकता है अगर वो सीखना है तो प्रणब मुखर्जी के जीवन को बारीकी से अभ्यास करना चाहिए। प्रभु प्रणवदा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे। यही प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।